तो दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन ने साल 2000 में कहो ना प्यार है के जरिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था और अपनी पहली फिल्म ने ऋतिक रोशन को रातों रात एक सुपरस्टार बना दिया था। साथ ही इस फिल्म के बाद ऋतिक रोशन लाखों जवान दिलों की धड़कन बन गए। वही दोस्तों उसी साल ऋतिक रोशन की फिल्म पिज्जा और मिशन कश्मीर रिलीज हुई थी और उसके बाद ऋतिक रोशन ने कई हिट फिल्में दी जैसे कभी खुशी कभी गम, यादें, मैं प्रेम की दीवानी हूँ वगैरह वगैरह। और दोस्तों इन फिल्मों के बाद ऋतिक रोशन अपने चार्म, फिजिक, डांस और लुक्स के लिए काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। दोस्तों अपने हॉट और डैशिंग अवतार के लिए फेमस होने के बावजूद उन्होंने एक मेंटली डिसेबल्ड किरदार को निभाने का फैसला लिया। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं फिल्म कोई मिल गया की, जिसमें ऋतिक रोशन ने एक डिसेबल्ड इंसान का किरदार निभाया था। दोस्तों ये फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई थी। फिल्म में अपने दमदार अभिनय से ऋतिक रोशन ने सभी से वाहवाही लूटी थी। न सिर्फ दमदार एक्टिंग बल्कि जोरदार डांस से भी ऋतिक ने सभी को अपना दीवाना बना दिया था। फिल्म में ऋतिक के साथ रेखा और प्रीति जिंटा भी मुख्य किरदारों में नजर आए थे और इस फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। दोस्तों ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया उनके करियर की सबसे अहम फिल्मों में शामिल है और दोस्तों ऋतिक रोशन की जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखने के बाद बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और लेट एक्टर ऋषि कपूर ने ऋतिक रोशन की जमकर तारीफ भी की थी। दोस्तों सलमान खान ने ऋतिक के इस परफॉर्मेंस को देखकर कहा था कि ऋतिक ने हम सभी बॉलीवुड एक्टर्स को शर्मिंदा कर दिया है। ऋतिक रोशन ने कोई मिल गया में जिस तरह की एक्टिंग की है, अगर उसका 10% भी बॉलीवुड एक्टर्स अपनी फिल्मों में दे दे तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों सलमान खान ने कहा था, ऋतिक हैज पुट ऑल ऑफ अस टू शेप, इफ बॉलीवुड एक्टर्स कैन पुट इट इवन 10% ऑफ व्हाट ऋतिक रोशन हैज डन इन कोई मिल गया, इट विल बी ए ग्रेट जॉब डन। वही दोस्तों ऋषि कपूर ने कहा था कि जब आप एक इतने बड़े एक्टर है और उस वक्त एक मेंटली चैलेंज किरदार को निभाना वाकई में बहुत बड़ी बात है, ऋतिक रोशन को सलाम। दरअसल दोस्तों ऋषि कपूर ने कहा था, टू प्ले अ मेंटली चैलेंज्ड गाय दैट टू व्हेन यू आर कंसीडर्ड टू बी ए पिनअप आइकन इज वर्थ एडमिरेशन, हैट्स ऑफ टू ऋतिक। वही दोस्तों हम आपको बता दें कि ऋषि कपूर और सलमान खान के अलावा भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने ऋतिक रोशन के किरदार की जमकर तारीफ की थी और दोस्तों ऋतिक रोशन की इस जबरदस्त फिल्म को आज 17 साल पूरे हो चुके हैं और आज भी ऋतिक रोशन के तमाम फैंस को उनकी ये यादगार परफॉर्मेंस याद है। तो ऋतिक रोशन के तमाम फैंस आप बताइए कि आप सलमान खान और ऋषि कपूर के इन बयानों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो डॉग चैनल को। जय हिंद।